जैसे कि आप जानते हैं जी, फोरसाज में हमें कोई भी एंट्री करनी हो, फोरसाज में जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, हमारे पास मिनिमम $10 होने चाहिए अगर आप सिंपल ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और उसके साथ हमारे पास होने चाहिए 0.006 BNB। ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए दो चीज़ें जिसकी वजह से आप एंट्री करते हो सिस्टम में, सिंपल ज्वाइनिंग करते हो। लेकिन जिसने अच्छी इनकम करनी हो वो ज़्यादा से ज्वाइन करता है, लेकिन जो सिंपल ज्वाइनिंग है वो इससे हो जाती है। आज मेरी वीडियो जो इसके बारे में है जी, ये जो हम ज्वाइनिंग करते हैं, हमारे पास BNB और $10 तो होते हैं, लेकिन जब हम ज्वाइन कर लेते हैं सिस्टम को, ठीक है जी, ज्वाइन हो जाते हैं हम सिस्टम में, तो क्या होता है जी, हमारे पास BNB जो होता है ना, ये कम हो जाते हैं, $10 तो लग ही जाते हैं और BNB हमारे पास रह जाते हैं ये ऑलमोस्ट 0.0034 इतने आपको शो हो रहे होते हैं। जैसे ही आपने कोई न्यू अपग्रेडेशन करनी हो तो उसके लिए भी हमें BNB की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपके पास ये कम होते हैं। इसकी वजह से आप क्या होता है जी कि आप अपलाइन से फिर पेमेंट करते हैं, उसे मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बचने के लिए ना एक तरीका है ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है, कि किस तरह से हम सिंपल, अगर आपने ना, क्योंकि हमारी अर्निंग जो हो रही है ना सारी फोरसाज में वो हो ही रही है सिर्फ डॉलर में, ठीक है, BNB तो हमारे पास आते ही नहीं है, जो भी हम काम करते हैं फोरसाज में सिर्फ डॉलर की अर्निंग हो रही होती है। तो आपने क्या करना है जी, जैसे ही आपके पास अर्निंग हो ना $15-20 आ जाए आपके पास, ठीक है, इतने से डॉलर आ जाए, तो आपके पास तो ये कम होंगे, ठीक है, फिर आप कॉले करेंगे अपलाइन को कि सर ये सेंड करें हमें ताकि हम अगली अपग्रेडेशन करें। तो आपने क्या काम करना है जी, जो यहाँ पर डॉलर आपके होंगे ना, इसे आपने कन्वर्ट कर लेना है जी BNB में, यानी कि फिर आप अप्लाइंस से कहेंगे कि सर हमें इतने BNB चाहिए नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए, तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा तरीका है ट्रस्ट वॉलेट में कि आप सिंपल कोई भी, यानी कि 15 अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं ना, तो आपने क्या करना है जी, इसमें से 2 या 3 या 4 जितने भी, इसे कन्वर्ट कर लेना है BNB में, ठीक है, ताकि BNB हमारे पास इतने हो जाएं कि हम इसकी अपग्रेडेशन कर लें कोई भी नेक्स्ट लोड की। BUSD से BNB में किस तरह से कन्वर्ट करना है, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं जी, उधर प्रॉपर समझ आएगी। अच्छा जी, आ चुके हैं हम ट्रस्ट वॉलेट में। किस तरह से हमने कन्वर्जन करनी है कि BUSD जो हमारे पास, ये देखें 63 पड़े हैं, ये अब कहाँ से आए हैं, ये फोरसाज की वजह से आए हैं, ठीक है। जिस भाई ने काम करना है फोरसाज पे, मोस्ट वेलकम आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, ये मेरे पास BNB पड़े हैं, फ़र्ज़ करें मैंने कोई अपग्रेडेशन करनी है तो मुझे स्वैप पर क्लिक करना चाहिए, ये जो आपके पास स्वैप वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल यहाँ सेंड है, रिसीव है, बाय है, ये स्वैप है, आपने स्वैप पर क्लिक करना, ठीक है। यहां से आपने कोई भी करेंसी को किसी भी करेंसी में आप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास, आपने सिंपल इस तरह से क्लिक करना है, और ऊपर आपने, आप देखें, आप करना चाह रहे हैं BUSD से BNB में, आपने सिंपल BIN Binance इस तरह का सर्च करना है। आइए देखें, सबसे पहले Binance PEG जिसमें मेरी अमाउंट पड़ी है, मैंने इस पर सुकून से क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है दूसरी मरतबा सर्च में, वो पूछेगा क्या चीज़ किस में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मैं यहाँ पर लिखूँगा BNB, ये सबसे पहले टॉप पे पड़ा है, ये BNB स्मार्ट चेन, इस पर क्लिक हो गया। अब देखें, ये BUSD और ये BNB, मैं यहाँ पर लिखूँगा मैंने $3 फ़र्ज करें, वो अपने हिसाब से करने हैं, $3 मैंने स्वैप करने हैं, तो आपने $3 यहाँ पर लिखना है, यहाँ स्वैप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, थोड़ी प्रोसेसिंग होगी इसकी। यहाँ पर कन्फर्म करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं जी, उसके बाद क्या होगा जी, ये प्रोसेसिंग में चली जाएगी। तो इस तरह से ना आपने ये करना है कि अपलाइन को आप पेमेंट सेंड करते हो, अपना टाइम ज़ाया करते हो, ठीक है, फिर वो इधर आपको सेंड करता है। आप सिंपल यहाँ पर अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं, ठीक है, सुकून से आप इसमें करें, ये देखें, आप सुकून से ये देखें, तीन यहाँ पर पहले मेरे कितने थे, $3 ये माइनस हुए हैं स्वैप के, ये ट्रांजैक्शन भी आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने, अपलाइन आपका बिजी है, ठीक है, लेकिन आपको BNB चाहिए, तो आपने क्या करना है जी, स्कून से यहाँ पर स्वैप पे क्लिक करके यही प्रोसेस आपने कर देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, और फोरसाज को लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।